अभी तो 17 जुलाई को हमारा पूरा मतलब पिछला आंदोलन था, उसके बाद हम लोगों ने 15 दिन का समय दिया था नागपुर महानगर पालिका और राज्य सरकार को कि वो नागपुर के स्वास्थ्य के लिए कोई ना कोई एक ठोस कदम उठाए, क्योंकि नागपुर की आबादी 45 लाख है और बेड सिर्फ और सिर्फ 12,500। 91% ये जो बेड्स है 12,500 में से ये बेड सिर्फ और सिर्फ निजी अस्पतालों में है, बचे हुए 2,000 जो बेड्स है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों में है। और नागपुर की जो जनता है 75% ऐसी जो जनता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो बहुत गरीब है और इनके पास निजी अस्पतालों में जाने का ही एक ऑप्शन बचा हुआ है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी और कंत्राटी कर्मचारी इनको निकाल के नागपुर महानगर पालिका स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी हम लोग ये आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ एक चेतावनी है, क्योंकि हमारे आधे मतलब 90% लोग और जो कर्मचारी है वो अभी लसीकरण के लिए गए हैं, आंदोलन पे आज नहीं आए। वो लोग आ रहे थे, कम से कम 2,000 लोग थे, लेकिन हम लोगों ने उनको आज लसीकरण पे भेज दिया, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि जो वायल्स आए हैं वो वायल ख़राब हो। इसीलिए जो कार्य मुक्त लोग हैं उनके साथ मिलकर आज हम लोग यहाँ पे नारे निर्देशन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग डिविजनल कमिश्नर के पास जाएंगे, उनको मुख्यमंत्री साहब का जो लेटर है वो देंगे, 2-3 दिन का टाइम देंगे, लेकिन हम लोग ये जो आंदोलन है इसको चलने ही देने वाले हैं। अभी आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ अभी वेतन आया है, सैलरी आई है, उसके अलावा अभी तक कोई भी ऐसी कोई ठोस चीज़ नहीं है जो उन्होंने नहीं की अभी तक। वो लोग सिर्फ और सिर्फ डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जितने भी जो मेडिकल ऑफिसर है और राम जोशी साहब है, ये जो लोग हैं ये लोग सिर्फ और सिर्फ धमका रहे हैं, डरा रहे हैं इन बच्चों को जो लोग बाहर गाँव से आए हैं और कंत्राटी कर्मचारी बन के यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी ये जो आंदोलन है ये सिर्फ और सिर्फ रोज़गार का नहीं है, ये नागपुर को तीसरी लहर से बचाने का भी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट इतना खतरनाक है कि वो 8 गुना ज़्यादा बर्बाद करेगा आम जनता को, और वो जनता जो निजी अस्पताल में जाके 10-15 लाख रुपए नहीं खर्च कर सकती उनको ऐसे ही मरना पड़ेगा। तो अभी हमारी मांग एक जंबो कोविड सेंटर की भी है, और साथ साथ में ये 45 लाख की जो आबादी है नागपुर की, इनके लिए स्वास्थ्य केंद्र खुले, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के लोग हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उनको निःशुल्क सेवा मिले, क्योंकि यही मोदी जी ने बोला है, यही उद्धव ठाकरे साहब ने भी बोला है कि नागपुर में और नागपुर की जनता को एक अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, और इसी की डिमांड अभी हम लोग कर रहे हैं। ये लोगों ने सिर्फ जुमले दिए दुनिया का सबसे बड़ा लसीकरण, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे रियलिटी में तो नागपुर को 2-2, 3-3 दिनों के बाद कुछ लसीकरण मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये जो आंदोलन है ये अभी तीसरे चरम में जा चुका है, और तीसरे चरम पे हम लोग जाने के बाद अमरन तक पूरी की पूरी जनता के साथ मिलकर हम लोग ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये अभी आंदोलन सिर्फ और सिर्फ रोज़गार का नहीं है, ये आंदोलन स्वास्थ्य का भी है, और इसके साथ साथ हम लोग नागपुर की जनता को भी साथ में जोड़ रहे हैं। हर घर में जा रहे हैं, हर बस्ती में जा रहे हैं, हर सोसाइटी में जा रहे हैं, वहाँ पे सभाएं ले रहे हैं, और उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपके घर पे कोई मुसीबत आती है, कोविड का जो तीसरा लाट है वो अगर आता है, तो आपको आपका नेता बचाएगा, आपको आपका खासदार बचाएगा, आपको आपका आमदार बचाएगा, या आपको ये कंत्राटी कर्मचारी बचाएगा, ये स्वास्थ्य कर्मचारी बचाएगा। मैं एक स्टाफ नर्स हूँ और मैं नेहरू जोन से हूँ, और हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमको लास्ट मंथ में डेली मतलब पूरे मंथ की सैलरी देने वाले थे, और ये मंथ से और डेली वेजेस चालू कर दिए हैं। और इसके पहले मैं हॉस्पिटल में थी, पास पावली सेंटर में, तो जो मतलब ऑर्डर दी है जितनी सैलरी देना चाहिए उसके कंपैरिजन में वैक्सीनेशन सेंटर में शिफ्ट करने के बाद कम कर दिए, और अभी डेली वेजेस पे कर दिए ये मंथ से। तो ये मुद्दे के लिए हम लोग यहाँ पर आंदोलन करने के लिए रेडी है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है अदर सेंटर पर, टेस्टिंग वालों को भी कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों को निकाल दिया है, और वैक्सीनेशन वालों को डेली वेजेस पे रखने के लिए, ये सब प्रॉब्लम सफ़र हो रहे लोग। और किसी को आवर का प्रॉब्लम है, किसी को सैलरी का प्रॉब्लम है, और अभी आज की 16 तारीख है, 16 तारीख मतलब 16 डेज हो गए ये मंथ के, और 16 डेज में सिर्फ 5 और 6 दिन ही हो गए वैक्सीनेशन के लिए। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी सैलरी है उससे हाफ क्या उससे भी कम हमारी सैलरी निकलेंगी, क्योंकि लास्ट मंथ में क्या हुआ था कि पूरे मंथ की सैलरी देने वाले थे, तो जैसे कि वो मंथ के लास्ट वीक में वो लेटर आया था, तो वो लास्ट वीक में फुल डे उन्होंने वैक्सीनेशन रखा, और ये मंथ में जब से पता चला है कि डेली वेजेस का हो गया, तो हफ्ते में 2 दिन या तो 8 दिन ऐसे ही रख रहे हैं, उससे किसी को सबका लॉस हो रहा है। बहुत लोग हैं जो फैमिलियर है, किसी के बच्चे हैं, कोई रेंट से रह रहा है, उनको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, वो लोग इतने मेंटली सफ़र हो रहे हैं, इसके वजह से हम लोग सब यहाँ पे खड़े हैं आंदोलन करने के लिए। आज जो हो रहा है सर आंदोलन, ये हमने 17 जुलाई को एक आंदोलन किया था सर NMC को ये बताने के लिए कि आपने जो सभी जो कोविड वर्करों के साथ जो किया है, मतलब उनके साथ उनकी सैलरी नहीं दे पाना, और उनके साथ उनका मतलब उनसे एकदम बाहर का व्यवहार,
एक कोविड वर्कर को उसका सही हक मिल सके, इसलिए हमने ये फिर से एक आंदोलन यहाँ पे रखा हुआ है कि इन सब जो जितने भी कोविड वर्कर में जो ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें उनका न्याय मिल सके। हमें सैलरी टाइम पे ना मिल पाना और हमें जो एक हमें जो 3 महीने का जो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था उसमें हमें बोला गया था कि आपकी मंथली सैलरी होंगी और इसको कोविड को हमको करते हुए सर किसी को 5 महीने हुए, किसी को 6 महीने हुए, फिर उन्होंने 3 महीने के बाद सर डेली वेजेस का इन्होंने सबका सैलरी इन्होंने डेली वेजेस पे कर दिया है। हमारा बस सर यही कहना है कि हमको बस 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे सही तौर पे लिया जाए और हमारी मंथली सैलरी की जाए, इसी के लिए ये आंदोलन है और हमें सही प्रॉपर तरीके से न्याय मिले। सर इस आंदोलन से हम बताना चाहते हैं कि हमारे जो कोविड वर्कर्स हैं जो कोविड सेंटरों में काम कर रहे हैं और जो सभी को COVID-19 के जो काल में जो सभी इसको सेवा दे रहे हैं उनके साथ कुछ नगर सेवक जो जैसे है नगर सेवक है वहाँ के गार्ड्स लोग हैं और वहाँ पे जो पब्लिक लोग आती है ये इनके ऊपर चढ़ के बोलते हैं। इसके लिए भी हमारा एक मुद्दा है ये कि हमें सही तरीके से एक सिक्योरिटी प्रदान की जाए जहाँ हम काम करते हैं। दूसरा मुद्दा ये है सर, जैसे हम सेंटर में जाते हैं या हमारे नर्स वगैरह ये सभी लेडीज़ है, इनके साथ क्या होता है सर जब कोई नगर सेवक आता है या फिर कोई अधिकारी आता है ये इनके साथ उल्टे तरीके से बात करते हैं ना। मुझे भी आज धमकी भरे मैसेज आए हुए थे ग्रुप में कि आप अगर आंदोलन में गए तो आपको निकाल दिया जाएगा, लेकिन ये सर हमारी अधिकार की लड़ाई है इसलिए हम यहाँ पे सहभाग देने आए हैं सर। सर इस आंदोलन से हमें बताना चाहते हैं जो कोविड वर्करों के साथ अलग अलग तरीके से जो अन्याय हो रहा है, इस आंदोलन से हम NMC को बताना चाहते हैं कि हम जो कोविड में ड्यूटी दे रहे हैं बस वो हमें सही तरीके से करने का मौका दिया जाए और जो हमें जो परेशानी आ रही है उसके लिए उन्होंने हल निकालना चाहिए सर, और हमें जो हमारा प्रामाणिक जो वेतन मिलता है हमें हर महीने वो लागू करना चाहिए।